तुम क्या कर रही थी? अरे तो क्या हो गया, धक्का ही तो मारा उसने। देखो हम वो चंट लुगाई की ना रत्ती भर भी इज्जत नहीं कर रहे थे, लिख के ले लो। नाउंसिल काव्य के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आदि और विकी को लड़ता हुआ देखकर गिरिराज प्रधान कहते हैं कि क्यों आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को जान लोगे क्या, तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब खेल सीमा रच रही है और वही चाहती है कि तुम आपस के ही मसलों में उलझे रहो और वो अपना खेल खेल जाए। जिस पर आदि शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि वो हमारे साथ कोई बड़ी गेम खेल रही है, लेकिन विकी की समझ से ये सब बातें दूर होती हैं। वो समझता है कि दोनों बाप बेटा कोई नई गेम खेल रहे हैं या फिर इन गरीबों के हक पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसको ये सब मामला काव्य को बताना चाहिए ताकि वही इसका कोई हल निकाले। लेकिन जैसे ये बात काव्य को मालूम होती है तो काव्य खुद शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वाकई ही ये बात तो हमें पहले सोचनी चाहिए थी कि हम आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दोषी करार दे रहे हैं, क्या पता पीछे कोई और चाल चल रहा हो और वाकई ही ये सीमा का ही काम होगा। वही चाहती होगी कि हम आपस में लड़ मर जाएं और उसका खेल आसान हो जाए। जिस पर आदि का बाप कहता है वाकई ही वो ऐसा ही चाहती है, अब तुम तीनों को मिलकर उसे मात देनी है।